फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पावर स्टेशन क्या है। इंडिया में बहुत सारे पावर स्टेशन हैं, लेकिन वो कौन से हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वही हम क्या करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम पहले देखते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है पावर स्टेशन। पावर मतलब क्या है, तो एनर्जी है। स्टेशन मतलब क्या, कि जिस जगह पर हमारी एनर्जी तैयार होती है उसे हम क्या कहते हैं, पावर स्टेशन कहते हैं। पावर स्टेशन को ही हम क्या कहते हैं, जनरेटिंग प्लांट या फिर जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन ऐसे क्या कहते हैं हम, पावर स्टेशन को ही जनरेटिंग स्टेशन भी कहते हैं। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए कुछ तो सोर्स चाहिए। विदाउट एनी सोर्स हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। जैसे कौन कौन से सोर्स चाहिए, हमने लास्ट के वीडियो में देखा है कि जैसा थर्मल एनर्जी रहेगी, विंड एनर्जी रहेगी, सोलर एनर्जी रहेगी, इस तरह के एनर्जी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो पावर स्टेशन में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कर सकते हैं। तो अभी ये तो क्लियर हो गया है कि पावर स्टेशन में क्या होता है, तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन वो कैसे जनरेट होती है, वही अब क्या करेंगे हम बेसिक वे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी सोर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रिकल सोर्स अभी जैसे मैंने बताया, थर्मल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ये क्या हो गए, तो हमारे सोर्स हो गए। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो मैं अभी लेती हूँ टाइडल पावर का। ठीक है, टाइडल पावर में मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि क्या होता है, समुन्द्र के जो वेव्स होते हैं उसके अंदर हम टर्बाइन बटाते हैं, राइट। टर्बाइन बटाने के बाद क्या होता है, वेव्स के फोर्स के थ्रू क्या होता है, हमारे टर्बाइन रोटेट होते हैं, और रोटेट होने की वजह से क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। मतलब क्या, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लेकिन वो किस तरह से होती है, वही क्या करके अभी हम देखेंगे। आपको तो पता है शाफ्ट आपको पता है वो कैसा रहता है, सर्कुलर शेप में रहता है। तो मैंने क्या किया है, एक शाफ्ट निकाला है। तो शाफ्ट को जब मैं इनपुट में एक सप्लाई दूंगी या फिर कौन से तो सोर्स इसको रोटेट करूंगी, तो क्या होगा, हमारा शाफ्ट भी क्या होगा, रोटेट होगा। मतलब क्या होगा, इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी तैयार होगी। मैकेनिकल एनर्जी, जैसे हमने पढ़ा है पावर स्टेशन में क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार होती है, इलेक्ट्रिकल, राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार होती है। अभी हमारे शाफ्ट थ्रू हमें क्या मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। इस मैकेनिकल एनर्जी को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जनरेटर यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे मैं ऐसे निकालती हूँ, ये क्या है, हमारा जनरेटर है। जनरेटर का मेन प्रिंसिपल क्या है, तो इसका मैकेनिकल एनर्जी ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहेगा। यहाँ पे मैं ट्रांसफार्मर का साइन निकाल देती हूँ। जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हम क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू सबस्टेशन को देते हैं। सबस्टेशन के थ्रू वापस क्या किया जाता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर थ्रू हम क्या करते हैं, कंज्यूमर का हमारे पहुंचा देते हैं। मतलब हमारे घरों को क्या होती है, हमारी बिजली आती है। तो देखो अभी आपको तो क्वेश्चन मार्क गिरेगा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया शाफ्ट को हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। लेकिन इस शाफ्ट को घुमाने के लिए कुछ तो सोर्स चाहिए ना, एनर्जी सोर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, शाफ्ट को घुमाएंगे। वो किस तरह घुमाएंगे, वो हम सिर्फ उसका बेसिक ओवरव्यू देखेंगे। तो पहला है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या रहता है, तो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट और यूरेनियम ये दोनों का रिएक्शन करके उससे हम हीट प्रोड्यूस कर देते हैं। हीट प्रोड्यूस होने के बाद वो हीट हम क्या करते हैं, हमारे वाटर टैंक में क्या करते हैं, पास करते हैं। हीट वाटर टैंक में पास होती है, इसका मतलब क्या है, तो वो जो हमारा टैंक है उसको हम क्या कहते हैं, हीट एक्सचेंजर कहते हैं। वो क्या करता है, इनपुट से वाटर लेता है, वो हीट करके वापस क्या करता है, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर को वापस पहुंचा देता है। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारे वाटर टैंक में जो भी वाटर है वो क्या होता है, हीट होता है। वो वाटर जो है, हमारा जो पानी है वो क्या होता है, गर्म होता है। और पानी गर्म होने की वजह से उसमें क्या होती है, स्टीम तैयार होती है। वो स्टीम वापस क्या होती है, ऊपर जाके, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें क्या चाहिए, शाफ्ट को घुमाने के लिए कुछ तो सोर्स चाहिए। तो वो स्टीम क्या करती है, टर्बाइन पर अप्लाई होती है। वो स्टीम टर्बाइन पर अप्लाई होती है। टर्बाइन मतलब क्या है, तो प्लेट्स रहते हैं, राइट, प्लेट्स रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो स्टीम टर्बाइन पर फोर्सफुली अप्लाई होने के बाद वो टर्बाइन रोटेट होते हैं। टर्बाइन का इनपुट, टर्बाइन का आउटपुट हम शाफ्ट की क्या करते हैं, इनपुट को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। इसलिए टर्बाइन जब रोटेट होते हैं तब हमारा शाफ्ट भी रोटेट होता है। शाफ्ट रोटेट होता है, इसका मतलब क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कौन करता है, तो हमारा जनरेटर करता है। और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे कंज्यूमर तक
पास करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या करता है। तो देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, हम क्या करते हैं डैम के थ्रू हमारा जो भी वाटर है वो क्या करते हैं स्टोर करते हैं। वाटर स्टोर करने के बाद जब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करनी है तब हम क्या करते हैं पेन स्ट्रोक थ्रू हमारा जो भी वाटर है फोर्सफुली हम क्या करते हैं टर्बाइन पर अप्लाई कर देते हैं। टर्बाइन क्या करता है, जब वाटर फोर्सफुली आता है तब वो क्या करता है आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जब हमारा पानी फोर्सफुली आता है टर्बाइन पर तब टर्बाइन क्या होता है रोटेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया टर्बाइन का हमारा जो आउटपुट है हम शाफ्ट के इनपुट को कनेक्ट कर देते हैं, मतलब जब हमारा टर्बाइन घूमता है तब हमारा शाफ्ट भी घूमेगा। शाफ्ट में क्या होगा मैकेनिकल एनर्जी तैयार होगी, उसका वापस जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करेगा और उसके थ्रू हम क्या करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारे कंज्यूमर तक हम क्या करेंगे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंचा देंगे। ये हो गए हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसके बाद हम देखेंगे थर्मल इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट। थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मतलब क्या है, तो थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम क्या करते हैं वाटर या फिर कोल, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी है, थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं हमारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर देते हैं। इसका मतलब क्या, हम कोल या फिर वाटर यूज कर देते हैं। तो देखो कोल और वाटर के थ्रू हम क्या करते हैं उसको हीट करते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि हम क्या करते हैं कोल और वाटर को, कोल या फिर वाटर को हम क्या करते हैं हीट करते हैं। हीट करने के बाद वाटर में क्या होती है वेपर तैयार हो जाती है, या फिर हम कोल यूज किए तो उसका भी वेपर तैयार होती है और वो स्टीम तैयार होने के बाद या फिर वेपर तैयार होने के बाद हम क्या करते हैं हमारे टर्बाइन पर अप्लाई करते हैं। टर्बाइन पर स्टीम फोर्सफुली अप्लाई होने के बाद टर्बाइन क्या होता है हमारा रोटेट होता है और टर्बाइन रोटेट होने की वजह से वापस हमारा क्या होता है शाफ्ट रोटेट होता है, मतलब इस तरह हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार होती है। ये हो गया हमारा थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अभी सोलर पावर प्लांट में क्या हो सकता है, तो देखो अभी हम देखेंगे कि सोलर पावर प्लांट में क्या होता है। सोलर मतलब क्या है, तो हमारी जो सन एनर्जी है राइट, सन एनर्जी के थ्रू हम क्या करते हैं उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो चलिए अभी हम क्या करेंगे इस डायग्राम थ्रू देखते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो जो भी हमारी सन एनर्जी है वो हम क्या करते हैं हमारे सोलर सेल पर लेते हैं। सोलर सेल में क्या होता है, तो उसमें फोटोवोल्टेक सेल रहते हैं। फोटोवोल्टेक सेल का काम क्या है, तो जो हमारी लाइट एनर्जी है जो भी हमारी सन एनर्जी है वो सन एनर्जी का कन्वर्जन वो क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करने के बाद अभी देखो आप देख सकते हो कि ये जो एनर्जी है ये कैसी है, तो हमारी डीसी एनर्जी है। तो डीसी एनर्जी हम क्या करेंगे, तो हमारे जो बैटरी बैंक है वो बैटरी बैंक में हम क्या करते हैं डीसी एनर्जी स्टोर करते हैं, और जब हमें इसको हमारे घर में यूज करना है तो हम इसे क्या करते हैं हमारे बैकअप के लिए यूज करते हैं। हमारी जो सोलर एनर्जी रहती है वो भी जनरेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो कैसे रहती है किस फॉर्म में रहती है, तो वो डीसी फॉर्म में रहती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं वो बैटरी बैंक में हमारे स्टोर करते हैं। और हम क्या करते हैं इसी तरह हम क्या करते हैं इन्वर्टर के थ्रू डीसी का एसी में कन्वर्जन करते हैं, और डीसी टू एसी कन्वर्जन करने के बाद हम घरों में यूज करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि टाइडल पावर क्या है। तो देखो अभी हम क्या करेंगे टाइडल पावर प्लांट क्या है इसको देखेंगे। टाइडल पावर प्लांट में क्या किया जाता है, तो जो भी हमारे समंदर है समंदर के वेव्स के अंदर हम क्या करते हैं टर्बाइन बटाते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि समंदर के वेव्स के अंदर हम क्या करते हैं हमारे टर्बाइन बटाते हैं। जब हम टर्बाइन बटाते हैं तब क्या होता है हमारे जो समंदर के वेव्स है उसके फोर्स से हमारा क्या होता है, तो हमारे टर्बाइन रोटेट होते हैं। जब हमारे टर्बाइन रोटेट होते हैं तो टर्बाइन के आउटपुट का हम क्या करते हैं शाफ्ट बटाते हैं। मतलब इसका मतलब क्या, जब हमारे टर्बाइन रोटेट होंगे तो हमारा शाफ्ट भी क्या होगा रोटेट होगा, और शाफ्ट रोटेट होने की वजह से हमारी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मैकेनिकल एनर्जी का वापस हम जनरेटर थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करके उसके बाद हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर थ्रू हम एनर्जी अप करके वापस सबस्टेशन को देंगे, वापस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर थ्रू हम वोल्टेज डाउन करके हमारे कंज्यूमर तक पहुंचा देंगे। तो देखो विंड पावर प्लांट में क्या होता है, तो विंड पावर प्लांट में हिल स्टेशन में हम क्या करते हैं, तो बड़े बड़े विंड बटाए जाते हैं राइट। विंड बटाने के बाद क्या होता है हमारा जो एयर है एयर के फोर्स पे क्या होता है हमारे जो पवन चक्की, विंड को ही हम क्या कहते हैं पवन चक्की कहते हैं, तो हमारी जो पवन चक्की है वो क्या होती है रोटेट होती है। तो किस तरह रोटेट होती है, जिस तरह वो हमारे एयर का प्रेशर आता है, एयर के प्रेशर तो हमारी क्या होती है जो भी प्लेट है वो क्या होती है फोर्सफुली रोटेट होती है। फोर्सफुली रोटेट होती है इसका मतलब क्या, आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो प्लेट्स है आप देख सकते हो इस प्लेट में क्या किए जाते हैं, तो हमारे टर्बाइन बटाए जाते हैं। इसका मतलब क्या, तो हमारे एयर प्रेशर से आती है, इसकी वजह से हमारा टर्बाइन रोटेट होता है, फिर हम क्या करते हैं शाफ्ट को देते हैं और उसी तरह हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी
मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट क्या है, तो देखो हम डीजल के थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। अब डीजल के थ्रू क्या कैसे करेंगे, तो देखो हमारी जो मशीन है उसके अंदर क्या करते हैं, हम डीजल इंसर्ट करते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। तो देखो इस तरह अभी हमने इस वीडियो में क्या देखा है, अभी हमारे सोर्स है वो सोर्स के थ्रू हम किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, इसका सिर्फ हमने ओवरव्यू देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि थर्मल पावर प्लांट एक्चुअल में क्या है, उसका बेसिक, उसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह है, किस तरह वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है, इस तरह हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।